नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी कोरोना के जो मरीज़ हैं वो अपने भारत के अंदर आ रहे हैं, लगभग 60,000 के ऊपर से पिछले 10 दिनों से आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने घोषणा की है 2500 रुपये प्रत्येक नागरिक के खाते में पैसे डालने वाली हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों के खाते में पैसे आ चुके हैं, तो किन किन लोगों के खाते में पैसे आए हैं तो इस लिस्ट में नाम होगा, तो आपके खाते में भी 2500 रुपये डेफिनेटली आ चुके होंगे। तो लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है और लिस्ट भी कैसे देख नहीं है, तो पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में ये जो बेल आइकन है इसको दबाकर स्क्रॉल पे आपको जरूर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आपको कमेंट बनाना और यहाँ पे आपको लिख के बताना है कि आपका राज्य कौन सा है, तो अपना राज्य का नाम लिख के मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद एक लिंक मिलेगी, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो दोस्तों सीधे इस पेज पे पहुँच जाओगे। तो इस पेज पे पहुँचने के बाद दोस्तों नीचे नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा जन सूचना पोर्टल, क्लिक हर चयन करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे नीचे वापस आना है और यहाँ पर दोस्तों जो है क्लिक हर फॉर सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको पता ही है COVID-19 कोरोना की वजह से आपको सरकार पैसे दे रही है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। COVID-19 पहला जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि COVID-19 अनुग्रह राशि भुगतान 2500 रुपये आप देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका जो जिला है वो यहाँ से आपको चुन लेना है और यहाँ पर शहरी और ग्रामीण आप किस क्षेत्र में रहते हैं वो आपको यहाँ से चुन लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर से कोई भी जिला चुन लेते हैं, तो यहाँ पर मैं कोई सा भी एक जिला चुन लेता हूँ। फिर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का मैं बता देता हूँ, तो दोस्तों जैसे आप ग्रामीण पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पंचायत समिति यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो भी आपकी पंचायत समिति है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे फिर अपनी ग्राम पंचायत यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी ग्राम पंचायत है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे भर देना है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे दोस्तों खोजे पे आपको क्लिक करना, जो भी खोजे हैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा रहा है, जिला ग्राम पंचायत जो भी है ग्राम वगैरह वो लाभार्थी बेनिफिट्स हैं वो, तो अधिक जानकारी इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, PDF में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2500 रुपये जो धनराशि है अमाउंट है वो 2500 रुपये यहाँ पे मिल चुका है। सभी को देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इतने लोगों को यहाँ पे 2500 रुपये के मिल चुके हैं। तो आपको भी मिले या फिर नहीं मिले तो इस प्रकार से आप लिस्ट में पता कर सकते हैं। यदि आपका नाम होगा तो आपको 2500 रुपये डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पता लगाना है कि आपको 2500 रुपये खाते में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को इसके बारे में मालूम चल सके।